एकदम की तरह से प्लीज फॉलो कर लोगे आप क्या बोल रहे थे? हम बड़ा कुछ उखाड़ सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप यहाँ सिक्योरिटी के लिए आपको बिठाया किस लिए है? आपको ड्यूटी देने के लिए बिठाया ना, हमारे साथ इस तरह थोड़ी बात करने के लिए बिठाया आपको, उखाड़ नहीं सकते कुछ। मेरी बात सुनो सर, हम जाने देंगे, मैं मान ली बात, ठीक है? अगर कोई बंदा हमारे से बात कराएगा, वीडियो कॉल कराने, आप यहाँ से हम उधर तक जान दो, कोई बंदा आएगा तो बात रही, ठीक है ना? सुबह सुबह बंदे तुम हो, हम क्या? तो यहाँ धोखे से तुमने बुलाया, हमने बुलाया, बल्कि हाईएस्ट रेट लीजिए। देखो अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा जोर दिख रहा है वो वाला, वो अभी तक बस उतना सा रह चुका है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सोच रहे कितने दिन से ब्लॉग भी नहीं आया मेरा, देखो रीज़न ये था कि कुछ दिन से बारिश ही ज़्यादा हो रही थी और मुझे अपने होटल में काम था, जिससे ब्लॉग भी मेरा नहीं आ रहा, ठीक है? आज मैंने सोचा एक ऐसी जगह जाऊँगा जो आपने शायद देखी भी होगी, बहुत लोगों ने तो नहीं देखी होगी अब तक, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, मैं वहाँ जाने वाला था, लेकिन बारिश इतना बुरा हाल है, मैं आपको एक बार दिखा दूँगी। देखो यार बारिश से मतलब इतना अभी तक बुरा हाल है ना, ये अभी तक बारिश हो रही है बीच में, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बीच में फिर कम हो गई, अब फिर से हो रही है, बाकी देखता हूँ अगर बारिश थोड़ी और कम हुई, अब बारिश फिर से ज़्यादा हो रही है, बारिश फिर से ज़्यादा होने लगी है, अगर बारिश कम हुई तो मैं निकल जाऊँगा वहाँ को, और आज मैं आपको ऐसे ऐसे सीन मतलब ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाऊँगा ना जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, मुझे लग रहा है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, वहाँ पर जाके पता चलेगा, परमिशन देंगे। देखो जो ब्रिज है ना, जिस ब्रिज पे जो हाईएस्ट ब्रिज है उस पर वो चढ़ने देंगे नहीं चढ़ने, मैं आपको उसकी ऊंचाई बता दूँ, वो 359 मीटर्स है, 359 मीटर की उसकी चाहिए, जो एल्फिल टावर आता है वो आता है 324 कुछ है, 324 मीटर कुछ एल्फिल टावर की ऊंचाई है, और उसकी 359 मीटर ऊंचाई है, मतलब वो एल्फिल टावर से सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि JNK में है, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा वहाँ परमिशन देंगे नहीं देंगे। बाकी देखो बारिश हो रही है, देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, अगर होगा तो आ जाएंगे, वरना कैंसिल करके हमें कल जाना पड़ेगा, अगर बनता है तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा बाइक पर, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, तो मिलते हैं सीधे बाइक पर ही अगर बारिश कम होगी तो फाइनली अभी निकल चुके हैं मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों निकल चुके हैं यहाँ से, और अभी बाज़ार से जाएंगे होके बालनी वाले रास्ते से, जो कि माले टेस्ट वीडियो में जो रास्ता था सेम वो उसी रास्ते से जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें लेना है रेन कवर, ठीक है? रास्ते में बारिश भी पड़ रही है जिस वजह से हमें रेन कवर लेना पड़ेगा, और टाइम अभी हो रहा है 3:10 के आसपास कुछ टाइम हो रहा है, तो अगर आज पॉसिबल होता है तो ठीक है, वरना हम कल सुबह ही जाएंगे वर्ल्ड के ब्रिज पे। आज जाएंगे पहले वहाँ देखेंगे, बात करेंगे कि वो हमें क्या बोलते हैं, परमिशन देते हैं, क्योंकि अभी जाने में 2 घंटे तो लग जाएंगे, ठीक है? अगर बीच में रुकेंगे तो टाइम वो लग जाएगा, बाकी देखते हैं, पहले रेन कवर ले लेते हैं फिर आगे जाके हम बात करते हैं। रेन कवर वगैरह भी ले लिए हैं, ठीक है? और अब जा रहे हैं, और ये दर्शनी गेट जबकि हमने देखा भी को बड़ी बार, माता रानी को मथा टेकते थे, जय माता रानी, अच्छी तरह जाएँ और अच्छी तरह आएँ, सही सलामत जाएँ और सही सलामत आना भी चाहिए वापस। मैं तो हमेशा जब भी बाइक लेके जाता हूँ ना, तो मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि अच्छी तरह जाऊँ और अच्छी तरह आऊँ वापस, और ऐसा सच्ची भी है कि मेरे साथ बड़ी बार मतलब ऐसे से भी रोड एक्सीडेंट होने से बचे हैं कि मैं मतलब बता नहीं सकता, और उस वक्त कैमरा हमेशा ऑफ ही रहा है आज तक, और इतनी बार मतलब मेरा लक है ना कि मैं बचाऊँ, मतलब समझ लो कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है बड़ी स्पीड में ज़्यादा और मैं साइड पे बाइक कर गया, कभी कभी ध्यान थोड़ा सा हट जाता था, तो ऐसे बहुत बार हुआ है, और मैं हमेशा माता रानी को यहाँ से प्रे करके जाता हूँ कि मैं अच्छी तरह ही जाऊँ, अच्छी तरह आऊँ, ठीक है? जब कहीं जब दूर जाते हो तो आपको प्रे करनी चाहिए, जिससे देखो फ़ायदा तो आपका ही है, अगर आप प्रे करोगे तो आपको माता रानी कृपा भी रखेगी आप पे और सही सलामत ही रखेगी आपको, तो अपने जो भी भगवान होते हैं हमारे उनसे प्रे करके जाना चाहिए जब भी आप कहीं दूर जा रहे हो। तो इतने भीड़ से अभी जाके निकले हैं, और ये देखो जो आप ये ब्रिज देख रहे हो ना, ये वाला ये वहाँ ही जाता है कोड़ी बक्कल को, और ये ब्रिज जाएगा आपका बारामूला वाली साइड, ये जो ब्रिज है जो अभी देख रहे हो, ये देखो ये वाला, ये वहाँ ही जाएगा जहाँ हम अभी जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर, ठीक है? रैसी में, और अब रैसी से सीधे ही हम डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ऐसे ही लेट हो रहे हैं। सलाल, अनाज, ज्योतिपुरम, मोर, ये सारी जगह थी जो ऊपर देखी हमने, चाहे पे पहुँच चुके हैं, और इधर का व्यू देखो एक बारी, वो बात है कि बंदा यहाँ से नीचे जाए तो दिखता भी नहीं, देख रहे हो गाइस कितना प्यारा व्यू है यार इधर का, वो देखो सारे कितना कर रहे हो, आगे से दिखाऊंगा ऐसा और अच्छा दिखेगा। देखो अभी यहाँ पर रुके हुए हैं हम, और ये बाइक अपनी गंदी भी हो चुकी है, और यहाँ का व्यू चेक करो, ये देखो कितना मतलब यहाँ से सीधा बंदा नीचे जाए तो मिलेगा ही कहाँ, ये इधर का व्यू है, ठीक है? वो देखो मतलब यार इतना छोटा सा रास्ता ना, कैमरा तो इतना जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन सच बता रहा हूँ मतलब इतना खतरनाक सा रास्ता है ना, वो देखो वहाँ से जा रही है, ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ रास्ता, ये मैंने ये देखा यहाँ पर अभी गंदा हो चुका था, मिट्टी का रहा है, मैंने अभी लेंस साफ़ किया है, बाकी बाइक भी अभी गंदी हो गई है, इतनी तो नहीं लेकिन हाँ हो चुकी अंदी मेरी गाइस, वो देखो एक बार वहाँ का वो डैम का जो पानी निकलता है वो कैसे फॉक्स ही बनी हुई है ना,
फोटो वगैरह दिख रही थी, देखो पहुँची पानी का थोड़ा प्रेशर है, हम यहाँ पर रुके थे तो वहाँ पर एक अच्छा व्यू दिखा था, हम यहाँ पर रुके। बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी करके बारिश आ रही है, अगर बारिश आ गई तो काम ख़राब हो जाएगा, कैमरा वगैरह बैग में डालना पड़ेगा। बारिश आ रही है यार, कैमरा गंदा हो गया, उसे साफ़ कर लेता हूँ। बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है फिर से, यहाँ का ऑफ रोड, यहाँ पे इधर की मिट्टी बड़ी स्लिप वाली है, तो यही रास्ता जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वरना अभी तक तो कब का ये रास्ता कंप्लीट हो गया होता, पता नहीं अभी तक ये रास्ता क्यों नहीं इनसे कंप्लीट हुआ। इतना खतरनाक ऑफ रोड है ना इधर का, यहाँ पर जो अब अभी ये रास्ता देख रहे हो ना, जैसे पहले भी यहाँ ऐसा ही रास्ता था, जैसे ये पस्सी जो ये गिरते रहती थी, वो रास्ते क्लियर करने पड़ते थे। यहाँ बस रुक चुके हैं, यहाँ पर पवन चिप्स ले रहे खाने के लिए, थोड़ी सी भूख लगी थी यार, घर से खाया तो था हमने 1 बजे, पर अभी फिर से भूख लगी है। जैसे यहाँ पर रुके हुए थोड़ा पीछे जो ढाबा है ना, वो देखो पीछे जो ढाबा दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर रुके हुए खाने के लिए, ठीक है नान थे तो सोचा खा लेते हैं, भूख लग रही थी, चिप्स वगैरह ले ली साथ में, लेकिन उससे भूख तो जल्दी होगी नहीं, खाने के लिए ले लिया, शाम तक भूख ना लगे आराम से, ठीक है तभी यहाँ रुके हैं, तो खा पी के सीधे मिलते हैं फिर से। खाना खा लिया अपने जो कि नान था अपना, वो खा चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं, और ये देखो ये खा रहा था पीछे मिक्सर जो उसने यहाँ बाइक पर कराई हुई है, अभी भी खा ही रहा है, यहाँ से निकलते हैं। वर्ल्ड का गाइस, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि कंप्लीट भी हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है, वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज। ये गोप्रो से अच्छी तरह नहीं दिख रहा, फोन से दिखाता हूँ आपको आगे बाइक रोक के। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वो देख रहे हो वाला, ये जो रेलवे ब्रिज है ना, ये करेगा बारामूला को कनेक्ट कटरा से, ठीक है पूरा जम्मू कश्मीर को, इसी पुल से जो जाएगी ट्रेन। इतना अभी दूर रही है, अभी हमें यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करना है, बाइक देखो, बाइक भी इतनी गंदी है, देखो कितनी गंदी हो चुकी है, तो अभी डिस्टेंस में होता ना कितना कवर करना है, वो देख रहे जैसे भी देखा फॉग थी सारी, और अब देखो यार मौसम क्लियर हो गया, इधर के मौसम का नहीं पता चलता, और आपको दिखाते हो अगर अभी ना हमें कहाँ जाना, अभी हम नीचे जाएंगे यहाँ से, वो देखो वो रास्ता दिख रहा है आपको, पहले ऊपर से आएगा, पहले ऊपर से फिर ऐसे ये इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, वो लास्ट में पेड़ आ गया, अब दिख नहीं रहा है यहाँ से, मैं दिखा रहा हूँ वो लास्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल लास्ट ये यहाँ से रास्ता आएगा, और जो और ऊपर दिख रहा है ना वहाँ धूप है, वो वहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से ये फिर ब्रिज फिर वहाँ से ऊपर, मतलब तो कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ का हल्का हाई रेलवे ब्रिज का, वहाँ पर पनपन खड़ा है बात कर रहा हूँ किसी से। तो चलो चलते हैं फिर से, अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तो ब्रिज आपको इतना अच्छा दिखेगा नहीं, पास जाके दिखाएंगे। ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है यहाँ से, अब हम ऊपर आए हैं, अब पुल क्रॉस करके वो वाला ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट किया, अब हम जा रहे हैं वर्ल्ड के ब्रिज के बाद, अब आपको वहाँ ही मिलेंगे जहाँ ब्रिज है, ठीक है वहाँ ही मिलते सीधे आपसे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो हाईएस्ट ब्रिज है, वो देखो वो जो दिख रहा है ना वो हाईएस्ट ब्रिज, वो वहाँ पर अभी उसके पास आते हैं और देखते हैं परमिशन देंगे नहीं देंगे जाने की, फिर वहाँ जाके पता चलेगा, बाकी ये सब बन रहा है, यही रास्ता है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज का। तो अभी आप सोच रहे होंगे रात से पहले दिन कैसे हो गया, क्योंकि कल ना हमें परमिशन दी नहीं, क्योंकि हम रात को पहुंचे थे और कोई फ़ायदा भी नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि आपको पता होगा रात को तो कैमरे में इतना अच्छा दिखेगा नहीं, और हमारा कोई फ़ायदा तो था नहीं वहाँ वीडियो बनाने का, ठीक है हम सिर्फ गए थे परमिशन लेने रात को, अब अगर हम परमिशन देंगे तो हम जाएंगे आगे, नहीं देंगे तो फिर क्या ही। हमने उनसे बात की लेकिन वो हमें बोल रहे थे सुबह के लिए, उन्होंने बोला सुबह आना, जो उनके सर हैं वो आते हैं सुबह 8 बजे, तो अभी टाइम हो रहा होगा कोई 8:10। ये देखो यहाँ का मंदिर है और ये नीचे फूल से गिर हुई है अपने, और यहाँ से सीढ़ी नल चल के नीचे जा रहे हैं, और ये आ गई अपनी भोली भी पास ही है। हेलो, बाल्टी लेके हम आए हैं बनाने के लिए, ये पानी होता है यहाँ का नहाने के लिए है ना, पूरी पानी खुद आता है ना सारा, मतलब पाता है पीछे पहाड़ में, ये देखो पूरा खाता हूँ, ये पूरा साफ पानी है, लोग पीते भी हैं ना, ये ठंडा पानी है। तो अभी यहाँ से ना नहाते हैं, अभी रेडी हो गया, और अब हम जा रहे हैं सीधे वहाँ पर ही, ठीक है अब हम ब्लॉग नहीं करेंगे बीच में, क्योंकि रास्ता कोई इतना सही नहीं है, वहाँ जाके आपसे सीधे मिलेंगे, वहाँ जाके परमिशन मिलती है, ठीक है वहाँ जाके सीधे बात करेंगे, और मैं आपको अपना नानी घर दिखाता हूँ वहाँ से, देखो जो भी है ना ये है आपका कुछ क्या गोली, हम रात को यहाँ पर सोए थे ये वाले बेड पे, और बस सोने का मजा है, और यहाँ से ना आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का, ये आता है व्यू अपना देखने लायक, ये यहाँ से ब्रिज है, और यहाँ से हम बाइक लेके आए थे कल इसी ब्रिज से, ये रास्ता पूरा है यहाँ पर, और ये देखो ये पानी है यहाँ से, यहाँ का भी कुछ इस तरह गया जैसे मिली कहाँ, और आपसे ना यहाँ पर एक बंदे को मिलाते हैं, ये वाला नया दोस्त भी हमें मिला यहाँ पर, ये देखो ये न्यू हमारा दोस्त बना ये और यहाँ से देखो कितना से व्यू दिखता है, ये देखो वो भी इसमें ना मतलब ऐसे वो है क्या बोला सर, टापू से टापू से
यहाँ से पूरा कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। और पीछे आके दिखाते हैं आपको कैसे कैसे है। ये पूरा मेरा नानी का रह गया वाला पूरा। और ये रसोई है अभी बंद है, यहाँ से पूरा नानी घर है। ये देखो मैं ना आपको अपना नानी घर भी दिखा रहा हूँ, यहाँ से पूरा कुछ इस तरह का दिखता है। ये वो क्या बोलते हैं, हाँ वो इससे हम बड़ा ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि देखो ये है ना, अभी हमें देखिए कितना गुस्सा करेगा गाइस। हमने सिर्फ ये बड़ा खूंखार था ये। और ये मेरे मामू का, बाकी ये देखो इधर का व्यू बड़ा सही है बस। गाइस अब हम ना आपसे सीधे मिलते हैं वहाँ पर ही जाके, ठीक है। मेन ब्रिज के बाद जाते हैं जहाँ वर्ल्ड का ब्रिज है। अब हम वहाँ जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है। वहाँ जाके वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। आपने दुकान के लिए हमने क्या बोला, हमने पहले सारा से पूरी परमिशन ली थी, ठीक है। हम जाए या ना जाए सुनो मेरी बात, ली थी परमिशन। कैमरा भी ऑन है, पहले भी ऑन था उधर से। क्या सुनो पहले सुनो फिर आपने सुनाना। उधर भी हमने कैमरा ऑन रखा था, जो जो सब बोला ना सब रिकॉर्ड है इस वीडियो में, ठीक है। फिर जो मर्जी बोलना जिस मर्जी बोलना, हम भी एडमिन को दिखा देंगे जिसको डीसी ऑफिस उधर है रियासी में, हम उधर भी कर लेंगे बात, ठीक है। आपने नहीं जानता ना वो आपका मन है, लेकिन एक बात करने का ढंग होता है, ठीक है। जिस तरह धमकी दे रहे हो ना पुलिस को बुलाएंगे, क्या काम किया कि हमने पुलिस वाले बुलाने का? बुलाओ जिसको बुलाना, हम खड़े हैं ना इधर, बुलाओ जिसको बुलाना पर, हम बम लेके जाना है, बुलाओ जिसको बुलाना है। नाम क्या आपका ये सुनाओ, आपका नाम क्या है? आप कैमरा देख रहे हो, नाम सुनाओ ना अपना, नाम क्या आपका? आपका नाम क्या? बहुत कैमरे देखे कोई बात नहीं, ये पहला कैमरा देखो क्या? ये हमने आपसे इतने प्यार से बात की, आपने एक घंटा हमारे यहाँ वेस्ट किया। मेरी बात सुनो, आपके सिक्योरिटी गार्ड ने कल, पता बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, अच्छा सुनाना सुना सुनो। लेकिन यहाँ का जो रूल है ना वो परमिशन के लिए रूल है, समझे, सबके लिए, सबके लिए। फिर यहाँ पर बस जाना बंद कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरा पल्ला कैमरा, रात को हम जब सिक्योरिटी गार्ड दो खड़े थे, उसने बोला सुबह 8 बजे आना, दो साहब यहाँ से क्या, हमने उनसे बात करी, बोलता भाई अभी रात का टाइम है, आप अभी जाना अभी जा सकते हो। लेकिन उसने क्या बोला, सुनो सुनो, मैं वही मेरे जो रात को आपको साहब मिले उनका आपने नंबर ले लेना था, आपने हमें कहा कि भाई अभी तुम वहां जाके क्या कर लोगे, सुबह आना, सुबह तुम जाना देख के। हम तभी तो इधर दोबारा आए मेरे भाई, हमने सुबह क्या बोला आपको, आपने बोला भाई कैमरा वहां रखो, रख दिया हेलमेट वहां रख दी, बाइक वहां खड़ी, पैदल जा रहे, मतलब देखने का हम वहां जा रहे। तुम कोई आगे बोला सिक्योरिटी गार्ड क्या कह रहा है कि क्या तुम पुल के ऊपर चढ़ जाके, भाई तुम्हें इतना डर लग रहा है कि बंदा बैठे हमारे साथ, भाई हमें देख के वापस आ जाना, हम यार कल से परेशान हो यहाँ ब्रिज देखने के लिए, आप यहाँ से मना कर रहे हो। नहीं अभी देखो, अभी ये साहब आए, इन्होंने अंदर बात कराई, साहब से बात कराई, हाँ जी मैं तो अंदर जो साहब है हमें नंबर दो ना यार, मेरे पास नंबर ही नहीं है, सीधी सी बात है, बात करो, नंबर नहीं है ना तो बैठे किस लिए हो, आपके पास कुछ है ही नहीं इधर ना, आपके पास रात वाले सिक्योरिटी का नंबर है तो बैठे किस लिए हो आप इधर, नहीं किस लिए बैठे बताओ ना, फिर कोई काम के लिए बैठे हो आप, मना करने के लिए बैठ के 2 मिनट आप अगर घर से निकले हो ब्रिज देखने, हमारे बंदे यहाँ पर है, लेकिन अगर बात कराने से वो बोले वहाँ पर बंदा है, उधर तक नहीं आप भेज रहे, उसमें गलती आपकी है, क्यों नहीं बंदा आगे, बंदा जानते हो ना आगे, आप मेरी बात सुनो, अभी वीडियो कॉल पे उधर ही बात करें, पूछो ना उधर आपने क्या बोला था, उनको भेजो यहाँ से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, आप बड़े आप क्या बोल रहे थे, हम बड़ा कुछ उखाड़ सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप यहाँ सिक्योरिटी के लिए आपको बिठाया किस लिए है, आपको ड्यूटी देने के लिए बिठाया ना, हमारे साथ इस तरह थोड़ी बात करने के लिए बिठाया, आपको उखाड़ नहीं सकते कुछ, मेरी बात सुनो सर, हम जाने देंगे, मैं मान ली बात, ठीक है। अगर कोई बंदा हमारे से बात कराएगा, वीडियो कॉल बुला रहे हैं, आप यहाँ से हम उधर तक जान दो, कोई बंदा आएगा तो बात रही, ठीक है ना, सुबह सुबह बंदे तुम हो हम क्या, तो यहाँ धोखे से तुमने बुलाया हमने बुलाया, पुलिस के धमकी ये हमें दे रहा है, हम पुलिस वाले को बुलाएंगे, हम कह रहे भाई तुम्हारे ऊपर हम उनसे बात करते हैं, नाइट वाला छोटा नंबर तो हमसे बात करते हैं, उसने हमें बोला क्यों बोला फिर सुबह और सुबह आना पड़ेगा, हमें रात को मना करता है, संडे था, हमने कितनी बार कंफर्म की कि संडे है, छुट्टी हो सकती है, क्या करें, परमिशन नहीं जाओ तो क्या कर सकते हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं भैया, आपका काम है मना करना, कर दिया मना, हम क्या कह रहे हैं, रात वाला बंदे ने सुना बोला सुबह आना, उसका नंबर दो उनसे बात, आपके सामने आप नंबर दो ना यार, हमें बात कर रहे सीधी सी बात, क्या पता कौन नाइट में, कौन से ना, तो वो इधर कैमरा लगा है, सब लगा है यार, नाइट वाला साहब ने बोला भाई सुबह आना, अभी रात को मुझे दिखना नहीं, सुबह आना 8 बजे चले जाना, अब नाइट वाला वर्दी होना था साहब, तो वो जो तुम्हारा छोड़ी उठा ना, वो दो साहब थे वहाँ नीचे गया, हमने उनके बोला भाई यार वो साहब वही थे, वो सारी थे मेन इंचार्ज थे उधर के, उन्होंने बोला सुबह ना आपसे सुबह करवा देंगे, उन्होंने ये चीज बोली, उनको नीचे जान देना, उसने ये भी बात बोली, सुनो उसने बोला उनको नीचे जान देना, उनको फोन किया सोया हुआ है यार, कहाँ फोन उठाया, सारी किया हुआ,
अब साइलेंट किया, आप बोल रहे वाले नंबर नहीं, अब साइलेंट हो गया। किसी की मजबूरी समझ से नहीं जा रहा, मैंने कहा था पोल देखने जाना, पर कल भी आए, कल शामी इतने छोटी करना आखिया, रात इधर अगर गल भी नहीं परमिशन इधर आया, उसने गाड़ी का नंबर दिखाया, बोला ये बंदे आएंगे उनको अंदर छोड़ दो। गाड़ी का नंबर हमने रात को कहाँ से जाना, बात बात तो हमारी बात भी नहीं करवा रहे, आपको फोन करके बोल रहे हैं इनको छोड़ो अंदर, है नी, हमें नहीं छोड़ने के लिए दे रहे वो परमिशन। आज तो तैयार की चीज की नहीं, ऊपर ऊपर नहीं जाएंगे सर, बाइक का फोटो खींचते बड़ा मजा। ठीक है ठीक है राइट सर, ठीक है नहीं, हमें इतनी लड़ाई के बाद अब जाके जान दिया, इतनी मतलब बातें करके जाने नहीं दे रहे थे, फिर किसी सर से बात करवाई तो उनके बाद इन्होंने जान दिया। और ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो उसकी अभी ऊंचाई है वो मैं आपको आगे से दूंगा, बाकी यही है जिस पर ट्रेन जाएगी और ये कनेक्ट करेगी ना बारामूला को, बाकी श्रीनगर ट्रेन तो जाती है पर ये कनेक्ट करेगा बारामूला को यही ट्रैक। अब मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ मेन। तो फाइनली गाइस आप पहुँच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पे, अभी धूप इतनी ज़्यादा है ना, मतलब इतनी ज़्यादा धूप हो चुकी है, पर अब वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जहाँ तक इतनी मेहनत की हम दोनों ने, ठीक है हम दोनों ने इतनी मेहनत की इधर तक पहुँचने के लिए, ऊपर तो नहीं जा पाया, संडे था परमिशन नहीं मिल पाई ऊपर जाने की, लेकिन चलो यहाँ तक आने की भी परमिशन मिल गई, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक, ठीक है तो उन लोगों को दिखाता हूँ जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो देखो, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो भी बना है, ये कटरा से जाएगी इसकी ट्रेन, जो कटरा से आएगी ट्रेन ये बारामूला को ये कनेक्ट करेगा और ये श्रीनगर तक जाएगा यही पूरा, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देखो, अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा जोर दिख रहा है वो वाला, वो अभी तक बस उतना सा रह चुका है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और एक साल अभी भी इसे लगेगा, उसके नीचे गहराई देखो कितनी है, मतलब अभी इतना ज़्यादा ये ऊंचाई पे ना, और सोचो यार मतलब किस तरह ये बनाया होगा, इतनी मतलब बंदा मैं सोचा उसके ऊपर जाए तो चक्कर ना आ जाए कहीं, मतलब इतना ज़्यादा ऊंचाई पर ये ब्रिज बनाया हुआ है इस वक्त ये, और यहाँ पर वर्कर कुछ लगे हुए हैं अभी काम पे। ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, जो यहाँ पर आएगा बंदा ये यहाँ का व्यू पॉइंट है बिल्कुल, मतलब यहाँ से आप व्यू पूरा देख सकते हो, ये देखो इधर का व्यू पॉइंट है, और इधर तक यहाँ से आप पूरा मतलब व्यू देख सकते हो यहाँ का, और नीचे देखो यहाँ से ये जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो यही है, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर ब्रिज के बारे में बताऊँ ना, जो ये वर्ल्ड का ब्रिज देख रहे हो अभी तो आपको इस तरफ से काला आ रहा था, जो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है मैं इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूँ, इसकी जो ऊंचाई है वो आती है 359 मीटर कुछ इसकी ऊंचाई है, मतलब 1178 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। एफिल टावर से भी ये ऊंचा है, सोच लो एफिल टावर से भी इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, जो एफिल टावर है ना वो ज़्यादा, एफिल टावर की हाइट है जो है 324, जो एफिल टावर की हाइट है, और एफिल टावर की हाइट से भी ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा है, जो कि ब्रिज आप देख रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा ऊंचाई है ना इस ब्रिज की, ये देखो मतलब, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारे इंडिया में है सबसे, और ये जो है ये है जम्मू कश्मीर में रियासी वाली साइड ही आता डिस्ट्रिक्ट में, ये अगले बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे जो हमारे इंडिया में तैयार हुआ है, और यहाँ के इंजीनियर की भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने मतलब इतनी मुश्किल से ऐसी जगह पे तो मतलब बनता भी नहीं, वो देख रहे हो ना जहाँ से इसको मेन पिलर दिए हुए, यहाँ पर इतना मुश्किल था क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही इस तरह की थी, ठीक है, इंजीनियर ने इतना ज़्यादा वो दिमाग लगा के इसको बनाया हुआ है, ये भूकंप से भी मतलब इतना ज़्यादा, अगर जितना मुझे भूकंप आ जाए इसे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, जो ये रेलवे ब्रिज ना ये वाला, यहाँ पर अगर ट्रेन जाएगी ना पहले यहाँ पर ये सेंसर लगे हुए, पहले वो चेक करेंगे हवा को, पहले हवा चेक होगी ऊपर क्योंकि इधर वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज पे हवा की बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ आती है ना, और पहले वो चेक होगी पीछे से सेंसर लगे हुए हैं मशीन में, अगर हवा ज़्यादा होगी तो ट्रेन नहीं जाएगी वहाँ पर रुक जाएगी पीछे ही, अगर हवा मतलब स्लो मतलब हवा कम होगी तो ट्रेन जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स भी इस मतलब जो ये पूरा सा रेलवे ब्रिज बना है इसमें ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं। जब से इस ब्रिज का काम लगा था ना तब से यहाँ लोगों को जब यहाँ कुछ था नहीं, पहले आपको पता है गाँव गाँव से गाँव में इतना काम कुछ भी था नहीं था, लोग तो शहर वाले साइड जाते सिटी में काम करने, जब से ब्रिज बना यहाँ के लोगों को इतना काम मिला ना, किसी को खाना बनाने का काम मिला है, किसी को कुछ काम मिला है, हर बंदे को किसी को वर्क मिला है, मतलब इस कम जो ये पूरा बनाया हुआ इन्होंने बड़ा ज़्यादा मतलब लोगों को यहाँ से काम मिला हुआ, ठीक है, इधर के लोकल बंदे को हर बंदे को डिपार्टमेंट को अलग अलग काम मिला, यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं
हर बंदे को ना मतलब एक काम मिला हुआ है यहाँ पे करने के लिए, ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ी बात भी है। देखो उनको जॉब भी मिल गई अपने सबको बंदे को यहाँ काम करने के लिए, वरना ऐसे ही इलाके में तो कहाँ ही कोई बंदा काम करेगा। और यहाँ पर इनको देखो मतलब जॉब वगैरह यहाँ मिल चुकी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड में होगा, कोई किसी में होगा, कोई बेल्डिंग वगैरह जो करता है स्कूल को तैयार करने में, हर बंदे का अलग अलग काम है। और जो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो इसकी ना जो मतलब ये पूरा जो ब्रिज है, जो इसकी जो वर्थ है ना, मतलब ये कितना इसका जो पूरा मतलब टोटल कॉस्ट है, मतलब कितना इसमें लगा है, जो इनका अभी एस्टिमेट था वो मैं आपको बताऊँ 1200 करोड़ के बीच इसका एस्टिमेट था इसको बनाने का। तो 1200 करोड़ इसका वो है मतलब बजट है, जो 1200 करोड़ के बीच ये पूरा जो अब देखना बल्कि का ब्रिज 1200 करोड़ के बीच इसे बनाना था, ठीक है, जो उसका मतलब पूरा बजट है 1200 करोड़ इस पर लग चुकी है लागत। यहाँ के रास्ते भी इस तरह के हैं, यहाँ पर गाड़ी आ नहीं सकती, इस ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो सिंगल सिंगल थे, जो बड़े बड़े ट्रक हैं जैसे मैं आपको दिखा दूँ, वो देखो जो आप वो देख रहे हो ना बड़ा ट्रक, ये अब आपको पता है ऐसे रास्तों में तो आ नहीं सकता, ऐसे रास्तों में इसका आना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और इसलिए इस पहले तो यहाँ पर रास्ते बनाए गए, मतलब इंजीनियर्स के लिए ये बनाना कोई इतना आसान तो नहीं था, बहुत बड़ा निकलना मतलब एक ना वो होता है चैलेंज था, इतना आसान नहीं था यहाँ का ब्रिज बनाना, क्योंकि इधर के रास्ते ऐसे थे, मतलब सबसे पहले तो रास्ते बनाए, उसके बाद जाके यहाँ पर सामान और ये सब इतना ज़्यादा सामान यहाँ पर पहुँचाया गया ट्रकों के थ्रू, ठीक है। क्योंकि ये देखो जैसे ये बता रहा हूँ कैसे ट्रक हैं, ये ऐसे वाले ऐसे रास्ते हैं, ये रास्ते भी थे जैसे हमने ब्लॉग में भी देखा होगा रास्ते हम किस तरह के रास्तों में आ रहे थे, अब रास्ते सही हुए हैं पर पहले नहीं थे। और 10-12 साल इस ब्रिज को बनते लगे हैं, अभी एक साल मैक्सिमम और लगेगा और ये ब्रिज खुल जाएगा, ठीक है। तो बाकी चलो देखो, होप करता हूँ कोई वीडियो भी पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगा ना इसे लाइक करना, देखो यार इतनी मेहनत करते हैं एक लाइक कर दिया करो, और क्या ही बोल रहे हैं आपसे, देखो सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते ना लाइक करने के, ठीक है, बस एक लाइक कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, उससे हमें भी हिम्मत मिलती है कि हम और वीडियोस बनाएं, ठीक है। बाकी मुझे एक चीज़ बताना कि क्या मुझे मतलब ब्लॉग्स बनाने चाहिए घर पे, डेली ब्लॉग, अगर मैं डेली ब्लॉग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर करना, बहुत देर होगी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, ये चीज़ ना मुझे कमेंट करके जरूर करना कि मुझे डेली ब्लॉग्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। फिर से मिलते रहेंगे कोई ऐसी नई नई वीडियोज़ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।